होठों को सुर्खी देने वाले नाजुक पान की खेती इन दिनों लॉकडाउन की तपिश झेल रही है। पान के किसान चाहे बिहार के हों, मध्य प्रदेश या फिर केरल के, पान का बाजार खत्म होने से ये वक्त सभी के लिए बेहद मुश्किलों भरा है। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है काम में, अब उतना माने लेबर भी नहीं मिल रहा है और पान जो अभी खोटना भी है तो वो नहीं बिक रहा है लॉकडाउन के कारण, तो बहुत लॉस में हम लोग हैं। बेमौसम बारिश और ओलों ने पान की खेती को कम नुकसान नहीं पहुंचाया है, फिर भी किसानों के सामने सुरक्षित बचे पान को बेचकर घर चलाने की उम्मीद भी टूटती जा रही है। इस बार तो भाई साहब काफी दिक्कत तो सामना कर रहा है, इसे कि पान बिक नहीं रहे, गाड़ी जा ही नहीं रही, लॉकडाउन की वजह से पान भी नहीं खुल रहा, तो का हमारे दिक्कत ही दिक्कत है, यही हमारी रोजी रोटी है और यही बिक नहीं रहा, का बताऊ का कर सके। सरकार कौन मदद नहीं कर रही, दो साल पहले सर्वे हो गए तो कछु नहीं मिल रहा, चौरसिया ना ठंड लग गई थी, ठंड को सर्वे कछु नहीं मिलो, सब चौरसिया सब बर्बाद है, सांसद लोग सांसद भी आए थे, पत्रकार भी आए थे, सब लोग आए थे। इस संकट से उबरने के लिए किसान अब सरकार से उम्मीद बांधे बैठे हैं। पहले ठंडी की मार में पान खराब हो गया था, जो बचा था वो अब नए पौधे लगाए, तो लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोई बाहर भी नहीं निकल रहा है और ना ही सरकार की तरफ से अनुमति है हम लोगों को, और ना ही मजदूरी कर सकते हैं। पान की खेती में अब पान बाहर जा नहीं रहा है, नुकसान बहुत बड़ा हो चुका है, अभी आंधी तूफान भी आया था तो हमारी पान की फसल नष्ट हो गई, गिर गई, गिरने के कारण पूरी खराब हो चुकी है। पान से होने वाली कमाई पर लॉकडाउन का ग्रहण है, अब सरकार को ही इन किसानों के लिए कुछ करना होगा, वरना किसानों के लिए इस खेती से अपना परिवार पाल पाना भी असंभव हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुराज एक्सप्रेस।